बच्चों, हमारी जो दूसरी विधि है प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अल्कोहल में अंतर की विधि, वो है विक्टर मेयर विधि। तो विक्टर मेयर विधि में चार चीज़ें याद रखनी है, हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया करा के उसका आयोडीकरण कर देना है, उसके बाद AgNO2 से क्रिया करानी है, फिर HNO2 से, फिर NOS से, चार चीज़ से रिएक्शन करानी है हमने। तो हम लिखेंगे कि इस विधि में हम प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अल्कोहल की क्रमशः HI, AgNO2, HNO2 व NOS से क्रिया कराते हैं। यदि लाल रंग प्राप्त होता है, ब्लड रेड, गहरा लाल रंग, ब्लड जैसा लाल रंग प्राप्त होता है तो अल्कोहल प्राथमिक होगा। यदि नीला रंग प्राप्त होता है तो अल्कोहल द्वितीयक होगा। यदि कोई रंग परिवर्तन ना होता है अल्कोहल तृतीयक होगा। देखो इक्वेशन यह है, पहले हमने एक प्राथमिक अल्कोहल ले लिया, इसमें लिया हमने R के साथ CH2OH लिया, इसकी HI से क्रिया करा दी। HI में HI का H और OH अल्कोहल का निकल के जल निकल गया, और जहाँ से OH रिप्लेस हुआ वहाँ I चला गया। अगली पॉइंट पे हो गया ये RCH2I बन गया, इसकी क्रिया कराई हमने AgNO2 से, जैसे हमने क्रम से चलना ही है। तो Ag के साथ I निकल गया नीचे और NO2 वहाँ चला गया जहाँ से I हटा सिंगल बॉन्ड पे, तो ये आया RCH2NO2 बन गया। अब उसके बाद हमने क्रिया कराई HNO2 से, जब हम इसकी HNO2 से क्रिया कराएंगे तो HNO2 करता है कार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस। अब लास्ट वाले कार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा तो H2 है वहाँ पे, और HNO2 का एक O आएगा, एक O और H2 मिलके जल निकाल देंगे, इसके नीचे -H2O लिख देना, लिखना याद नहीं रहा, तो जहाँ भी जल निकल जाएगा। और जल निकलने के बाद हमने क्या किया इसमें, लास्ट में हमने दिखाया R-C, वही यही बचा हुआ था, और -NO2 जो बच गया था उसका पहले वाले का, और निचले वाले एक डबल बॉन्ड पे हम ले आए जो HNO2 से बचा। HNO2 से क्या बचा, NOH, यही तो बचा, एक वो तो H2 के साथ चला गया, NOH बचा। कार्बन के चार बॉन्ड पूरे करने हैं इसलिए डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, नाइट्रोजन के भी तीन बॉन्ड पूरे हो जाएंगे, तो ये NOH बन गया। इसमें हमने NaOH डाला तो लाल कलर प्राप्त हो जाएगा, ब्लड रेड, इससे हमें पता लग जाएगा कि ये अल्कोहल प्राथमिक अल्कोहल है। द्वितीयक अल्कोहल में सेम, अब हम दो बार R ले लेंगे, CHOH ले लेंगे, HI से क्रिया कराएंगे, वही जल निकलेगा, H और OH मिलके जल निकलेगा, I वहाँ चला जाएगा जहाँ से OH हटा, ये बन जाएगा। उसके बाद AgNO2 से क्रिया कराएंगे, Ag के साथ I निकल जाएगा, NO2 वहाँ चला जाएगा जहाँ से I हटा, सेम इक्वेशन है। लास्ट में फिर वही HNO2 से क्रिया कराएंगे, अब हमें फिर वही H हटाना है कार्बन के, लास्ट बने कार्बन के H हटाने हैं, तो एक H है और एक H और एक O यहाँ से रिप्लेस होगा, तो OH यहाँ से मिलेगा HNO2 से, और H वहाँ से जल निकल जाएगा, और बचा क्या, यहाँ एक O चला गया और एक H चला गया, यहाँ NO बच गया, HNO2 में क्या बचा, NO, तो एक जो बॉन्ड खाली हुआ हाइड्रोजन की वजह जाने की वजह से चौथा, उस पर NO आ गया। इधर देखो नीचे, इसमें R आ गया दोनों साइड, फिर उसके बाद ये C आ गया, NO2 ऑलरेडी था, और जहाँ से एक H हटा वहाँ हमने NO जोड़ दिया, इसमें हमने NOH मिला तो नीला रंग निकल गया। अब तृतीयक अल्कोहल का सेम करेंगे, तीन बार R ले लिया, उसके बाद COH हो गया, इसमें वही H और OH मिलके जल निकाल दिया, I वहाँ चला गया जहाँ से OH हटा, इसका आयोडीनीकरण कर दिया हमने। उसके बाद AgNO2 से इसकी क्रिया कराई हमने, Ag के साथ I निकल गया, NO2 वहाँ चला गया जहाँ से I हटा, और इसके बाद हमने इसमें HNO2 मिलाया। HNO2 काम मैंने बताया था कि कार्बन से हाइड्रोजन रिप्लेस करना है, लेकिन कार्बन के पास अब हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये HNO2 इससे रिएक्शन नहीं करेगा, तो नोट रिएक्शन होगी। उसके बाद थोड़ी देर बाद हम इसमें NaOH मिलाएंगे, तो नो कलर चेंज, इसमें कलर भी कुछ नहीं आएगा। तो इससे हमें क्लियर हो जाता है कि यदि प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अल्कोहल में क्रम से HI, AgNO2, HNO2 व NOH मिलाते हैं, तो यदि ब्लड रेड कलर प्राप्त होता है तो अल्कोहल प्राथमिक होगा, यदि नीला कलर प्राप्त होता है तो अल्कोहल द्वितीयक होगा, यदि कोई कलर परिवर्तन नहीं होता तो अल्कोहल तृतीयक होगा। इस तरीके से करके सिंपल लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं अपनी भाषा में, इक्वेशन बहुत आसान है, समझ में आ गई होगी, नहीं होगी तो दोबारा से वीडियो बना के बोर्ड पे अलग से समझा दिया जाएगा, इसे देख लीजिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।